जम्मू कश्मीर के शोपिया गांव में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सोनिया सर के हेतराम गोदारा के पार्थिव देह सोमवार रात 8 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंची। नाल एयरपोर्ट पर जिला कलेक्टर अनिल गुप्ता, एसपी सवाई सिंह गोदारा आदि ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित किए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में हुए आतंकियों में हुई मुठभेड़ में राजस्थान का एक जवान हेतराम भी शहीद हो गया। आज उनका पार्थिव देह बीकानेर के मिलिट्री अस्पताल लाया गया। यहाँ से सुबह शहीद चंद चौधरी उद्यान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। यहाँ विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी और जिला कलेक्टर सहित सेना के अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। उसके बाद शहीद के पार्थिव देह को पैतृक गांव डूंगरगढ़ तहसील के सोनिया सर गोदारा में ले जाया गया। गाँव में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान परिवार जनों का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं सभी ग्रामीणों की आंखें भी नम थी। गौरतलब है कि हेतराम राष्ट्रीय राइफल में नवी जाट रेजिमेंट का जवान था। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गया। हेतराम का जन्म 25 जनवरी 1993 को साधारण किसान हरमाना राम के यहाँ हुआ था। हेतराम से छोटे दो भाई और एक बहन भी है। 3 साल पहले ही उसकी शादी जसरा सर की सुंदरी देवी के साथ हुई थी। हेतराम के 1 साल का बेटा भी है। शहीद की शहादत का समाचार मिलते ही गाँव में शोक की लहर दौड़ गई।